चैनल कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ माइक्रोवेव से रिलेटेड कुछ कुकिंग टिप्स शेयर करूंगी जो आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो माइक्रोवेव जो है वो सिर्फ एक हीटिंग टूल नहीं है, बल्कि ये एक प्रोफेशनल कुकिंग टूल है। और एक माइक्रोवेव क्या क्या काम कर सकता है ये देख के आज आप भी हैरान हो जाएंगे। एक माइक्रोवेव जो है वो एयर ड्रायर का काम कर सकता है, वेजिटेबल्स को फ्राई और क्रिस्पी कर सकता है, इसके अलावा स्टीम और ग्रिल भी कर सकता है, फूड को कलर दे सकता है, इसके अलावा बहुत सी टाइम सेविंग चीजें भी कर सकता है। मैंने चिकन में बेसिक स्पाइसेस ऐड करके इसे मैरिनेट किया था, और अभी मैंने एक वैक्स पेपर लिया है, इसके अंदर मैं इसको रैप करके 1.5 मिनट के लिए 80% पावर पे इसको कुक करूंगी। उसके बाद मैं इसे अनरैप करके तो दोबारा से कुक करूंगी, और तब तक कुक करूंगी जब तक इस पे प्यारा सा कलर नहीं आ जाता। माइक्रोवेव को लेके बहुत सी मिथ सुनी थी मैंने, पहले मैं सच समझती थी, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। और आज मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि माइक्रोवेव आखिर काम किस तरह से करता है। और यहाँ पे हमारा जो चिकन था वो कुछ ही मिनटों में रेडी हो गया है। इस तरह से बहुत कम टाइम में आप डिनर रेडी कर सकते हैं, ना तो ज्यादा बर्तन यूज होंगे, ना तो आपको बाद में धोने होंगे, ना ज्यादा मेस होगा, और ना ही आपको किचन को ज्यादा क्लीन करना पड़ेगा। आज मैं आपके साथ माइक्रोवेव से रिलेटेड कुछ हैक्स भी शेयर करूंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि माइक्रोवेव आखिर काम किस तरह से करता है। तो माइक्रोवेव जो है ना वो खुद से टेम्परेचर जनरेट नहीं कर सकता, ये हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उसके अंदर मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हाई स्पीड फ्रिक्शन बनती है, और इस फ्रिक्शन से जो है ना हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, और इस तरह से चीज़ें कुक होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह से आप क्लैप करके हाथों को अगर रब करेंगे तो इससे भी एक टेम्परेचर बनेगा बीच में, तो बस इसी तरह से माइक्रोवेव में भी हीटिंग का प्रोसेस होता है। अब मैं आपको वेजिटेबल्स को स्टीम करने का तरीका भी बता देती हूँ। आपने कोई भी वेजिटेबल ले लेनी है, मैंने यहाँ पे कैरेट्स लिए हैं, उनको छोटे छोटे पीसेज में कट किया है। इसके अंदर मैं ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट और सीजनिंग ऐड करूँगी, इसे मिक्स करके मैं 2 मिनट्स के लिए हीट कर लूँगी। आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का आपने हमेशा ख्याल रखना है। एक तो आपने इसमें मेटल यूज़ नहीं करना, और हमेशा आपने माइक्रोवेव सेफ जो बर्तन होते हैं वही यूज़ करने हैं माइक्रोवेव में। मेरे पास तोशीबा का मल्टी फंक्शनल माइक्रोवेव ओवन है जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, अगर आप लोग चाहें तो अपनी ले सकते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे कैरेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। इसी तरह से आप पोटैटोस को भी कुक कर सकते हैं, या फिर अपनी मर्जी की कोई भी वेजिटेबल्स को स्टीम कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं, या फिर क्रिस्पी कर सकते हैं। मैंने जो चिकन कुक किया था ना उसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे, इसके अंदर मैं सैलड ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो लेटस और साथ में रेडिश ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और इसमें थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करें, मैंने वैसे अच्छे खासे स्पाइसेस डाले थे तो मुझे अलग से कोई सीजनिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं लगी, तो डाइट के लिए जो है ना ये बहुत अच्छा रहता है। जब हम घर में माइक्रोवेव यूज करते हैं तो ये हम अपनी सहूलत के लिए यूज करते हैं, इससे ना तो सिर्फ टाइम और एनर्जी सेव होते हैं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वेजिटेबल्स बॉइल करनी हो तो आपको उसके लिए एक पॉट चाहिए, उसमें पानी चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन माइक्रोवेव में आप बहुत जल्दी बहुत आसानी से चीजों को कुक कर सकते हैं और अपना टाइम और एनर्जी भी सेव कर सकते हैं। माइक्रोवेव जो है ना वो 1947 से यूज होते आए हैं, और 1960s में ये बहुत पॉपुलर भी हो गए थे, लेकिन उस टाइम पे ये सिर्फ चीजों को गर्म करने के काम आते थे। लेकिन आज के दौर में आप अपने माइक्रोवेव से बेशुमार काम ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं, बस आपको इसे सही यूज करने का तरीका आना चाहिए। अब मैं आपके साथ माइक्रोवेव से रिलेटेड कुछ हैक्स शेयर करूंगी। तो ये मिंट लीव्स रखे थे मेरे पास कब से और यूज़ नहीं हो रहे थे, तो इससे पहले कि ये ख़राब हो जाते मैंने सोचा इनको ड्राई कर लेती हूँ। तो वॉश मैंने पहले से ही करके रखे थे, अभी मैंने इनको सिर्फ स्प्रेड किया है और अब मैं इसे हीट कर लूंगी।
मैंने इसे 2 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव किया था और ये बहुत अच्छे से जो है ना ड्राई हो गए हैं, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और हाथ लगाने से ये टूट रहे हैं। तो बस हल्का सा क्रश करके मैं इसको किसी कंटेनर में रख दूंगी और जब भी कोई कहवा या कोई और चीज़ बनानी होगी तो उसमें मैं ये यूज़ कर लूँगी। माइक्रोवेव में जब आप किसी चीज़ को कवर करके रखेंगे ना तो उससे उसमें स्टीम बनेगी, लेकिन जब आप अनकवर करके इस तरह ओपनली रखेंगे ना तो ये माइक्रोवेव जो है वो फिर एक एयर ड्रायर का काम करेगा। आप माइक्रोवेव ओवन में स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से नट्स वगैरह होते हैं घर में जो कि थोड़े से सॉगी हो जाते हैं, तो उनको भी आप फ्रेश कर सकते हैं इस तरह से। अक्सर ऐसा होता है ना कि घर में कुछ स्नैक्स वगैरह रखे होते हैं, हालांकि हमने क्लिपर भी लगाया होता है ऊपर, लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ दिन गुजर जाएं तो वो सॉगी हो जाते हैं, तो आप इस तरह से माइक्रोवेव करके उन्हें फ्रेश कर सकते हैं और क्रिस्पी कर सकते हैं दोबारा से। कभी जल्दी में हमने खाना बनाना हो या फिर दावत वगैरह हो घर पे तो बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो काम को आसान करने के लिए एक टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने गार्लिक क्लोव्स लेने हैं और उनको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत इजीली ये पील हो जाएंगे। मेरे पास अभी घर में बैंगन नहीं था, वरना मैं आपको दिखाती कि किस तरह से बहुत जल्दी से वो जो है ना माइक्रोवेव में रोस्ट हो जाता है और आप उसे बैंगन का भरता बना सकते हैं या कोई भी और डिश बना सकते हैं। मेरे पास जो माइक्रोवेव ओवन है ना उसके साथ ये ग्रिल स्टैंड भी आया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप बहुत कम टाइम में इतने सारे स्लाइसेस को टोस्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें 10 स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी 5 स्लाइसेस ही चाहिए थे तो इसलिए मैंने 5 इसमें टोस्ट किए थे। कभी अगर नाश्ते में ब्रेड के स्लाइसेस बच जाए ना तो मैं उनको माइक्रोवेव कर लेती हूँ हल्का सा, उससे वो क्रिस्पी हो जाते हैं और उससे फिर मैं जो है ना ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ, क्योंकि घर में बनाए हुए जो ब्रेड क्रम्स है ना वो बाहर के ब्रेड क्रम्स से बहुत अच्छे होते हैं। लास्ट में मैं आपके साथ कैरमल क्रिस्प शेल नट्स की रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि बहुत इजी है और 2 मिनट में रेडी हो जाती है। तो आपने पीनट्स लेनी है, उसके अंदर आपने क्या करना है कि थोड़ी सी आइसिंग शुगर और जो रेगुलर शुगर होती है वो ऐड करनी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर आपने थोड़ा सा जो है ना ऑयल ऐड करना है और इसको मिक्स करके आपने माइक्रोवेव करना है 30 सेकेंड्स के लिए। थर्टी सेकेंड्स के बाद आपने इसे बाहर निकालना है, इसे हल्का सा मिक्स देना है और दोबारा से आपने इसे माइक्रोवेव करना है 1.5 मिनट के लिए। तो बस इस तरह से आप बहुत जल्दी से और आसानी से जो है ना अपने लिए स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।